अस्सलाम वालेकुम। आज वाले टॉपिक के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 53 सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका ये पार्ट बी है। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इस क्वेश्चन के अंदर हम आज एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे ताकि आपका काम भी आसान हो सकेगा जब आपको ये कंडीशन गिवन होगी। तो आप देखिएगा कि हम कितनी इजीली सारा काम ख़त्म कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सर्किट एनालाइज कर लिया कि यहाँ पर आपने सवाल पढ़ा कि ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ए बी। अब पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो ऑल रेजिस्टर हैव वैल्यू ऑफ 30, तो इट्स मीन के यहाँ इसकी वैल्यू भी 30 है, सब की वैल्यू 30 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखने की नीड नहीं है। तो सिंपल अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो ये दो पॉइंट है ये सीरीज़ के अंदर है, तो सबसे पहले हम इनको सीरीज़ के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, सिंपल आर वन आर प्राइम को मैंने नाम दे दिया 30 प्लस 30, ये हमारे पास आ गया 60 ओम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाएगी। हर एक चीज़, एक लाइन और एक रजिस्टर, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ आ गया हमारे पास, देन एक रजिस्टर ठीक है, देन एक रजिस्टर जो ये कि यहाँ मौजूद है, और जो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो इसकी जगह एक रजिस्टर। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको एक्सटेंड करके कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ कि ये क्या है, ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बनेगा। फॉर सपोज अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ इस तरह करके, अगर यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर होता तो ये किस तरह की कॉम्बिनेशन बनती, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास कुछ इस तरह की बनती। यहाँ पर एक रजिस्टर होता मेरे पास, और सपोज यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो देखें ये क्या होता, इस पॉइंट के अंदर और ये इस पॉइंट के अंदर एक ही पे जॉइंट है। जब ये एक पर ही जॉइंट है तो सिंपल मैं इसे यहाँ पर इस तरह भी बना सकता हूँ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने बना दिया 60, ठीक है। तो 60 और ये 30 किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो सिंपल हमें करना क्या है, इन्हें सॉल्व करना है। तो आर डबल प्राइम किसके बराबर है, ये 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, जो कि बराबर है हमारे पास, इसकी जगह मैं डायरेक्ट 90 लिख लेता हूँ, 30 प्लस 60 90 होता है 90। तो एक जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, 1 और ये 3 और ये 2, तो सिंपल मेरे पास 20 ओम्स आ जाएगा यहाँ पर आर डबल प्राइम, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा सर्किट ड्रॉ करना है, तो सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट देखना भी है, सिंपल एक लाइन, ठीक है, देन एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर, और इनके दरमियान एक रजिस्टर, ठीक है, और एक रजिस्टर ये आ गया, एक रजिस्टर ये, ठीक है। अब जो आपने देखा था हमने इसे सॉल्व कर लिया 30 और 60 को, तो इसकी जगह एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर। मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं, तो बस काम चलाइए। इसकी वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ 20, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू निकाली है। बाकी जहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है वहाँ पर 30 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब आपने सिंपल यहाँ देखना है कि अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको जिस तरह बताया था कि मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है, डेल्टा से वाई के अंदर, तो हमने यहाँ पे वो ही करनी है। तो सिंपल
देख कौन सा सर्किट ले लेते हैं, हम देखते हैं ये वाला इस तरह। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि हमने कभी भी वाई इस तरह नहीं लेना ताकि कन्फ्यूजन होती, लेकिन इस सर्किट के लिए हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो नेटवर्क चलेंगे एक साथ। तो किस तरह, एक नेटवर्क यहाँ, एक नेटवर्क बिल्कुल इस तरह बनेगा, तो हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि अब इसकी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, दोबारा उसका समीशन निकालना होगा, देन वैल्यूज, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को हमने यूटिलाइज करना है। तो सिंपल हम निकाल लेते हैं, एक फार्मूला बताता हूँ सिंपल आपको। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, जो कि हमें आर वाई निकालना है क्योंकि वाई हमने ट्रांसफॉर्म किया है। तो सिंपल इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, जो भी इम्पीडेंस है मीन्स के लोड है, रजिस्टर है, तो हमारे पास कितना है 30, डिवाइड करवा दें 3 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। तो आपको अब निकालने की नीड नहीं है कि आप इंडिविजुअल निकालेंगे कि आर वन भी निकालें, आर टू भी निकालें, आर थ्री भी, इसी तरह बिल्कुल आर वन, आर टू, आर थ्री, अब बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर जब ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपके पास रजिस्टर सेम होंगे, तो आपने सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल यहाँ पर सर्किट दोबारा ड्रॉ करना है। तो एक इस तरह किया, और अब मैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म किया है उसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बना लेता हूँ। एक रजिस्टर, इस तरह हो गया, देख सकते हैं, जैसे कि एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, एंड यहाँ पर एक रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर की जगह बाकी है, तो हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर इसके साथ जो ये पॉइंट है, इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं एक रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, एंड एक रजिस्टर जो ये वाला बन रहा है सिंगल नोड, ये आ गई, एंड ये ट्रांसफॉर्म हो के आ जाएगा। जो खाली जगह बची है, जो ये 20 ओम्स का रजिस्टर है, उसको मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, और जो बाकी है मेरे पास, अब यहाँ पे मैंने लिख दिए 10। तो इट्स मीन के जो बाकी हैं वो किसके हैं, 10 के। तो अब आपने सिंपल देखा जो ये है 10 और ये 10, ये सीरीज के अंदर है, ये 10, 20 एंड 10 ये सीरीज के अंदर है। तो सिंपल अब यहाँ पे काम करेंगे हम, जो आर डबल प्राइम है वो किसके बराबर है, 10 प्लस 10 विच इज 20। ठीक है, तो आर टू हमने निकाल लिया, एंड बिल्कुल इसी तरह आर थ्री, 10 प्लस 10 प्लस 20 ये 40 के बराबर हो गया। तो अब सर्किट ट्रांसफॉर्म करेंगे दोबारा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले किया है, यहाँ पर एक रजिस्टर, एक रजिस्टर ये प्लेस्ड हो गया। अब एक लाइन यू लगा देता हूँ ताकि सिंपल सा हो जाएगा सर्किट, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया है। जब सॉल्व कर लिया है तो सिंपल अब यहाँ पर क्या करना है, एक रजिस्टर यहाँ पर क्लोज हो गया, देन एक रजिस्टर यहाँ, और ये आंसर क्लोज। इसे अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ये 40, ये 40 हो गया, और ये 20 हो गया हमारे पास, एंड ये 10 है, एंड ये भी 10 है। तब दोबारा इसे सॉल्व करना है, तो ये आर वन प्राइम किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 20 इंटू 40, 20 इंटू 40, और 20 प्लस 40 कितना होता है हमारे पास, 60। तो बिल्कुल इसे भी सिंपल कट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसे देख लेते हैं, तो ये फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो 20 इंटू 60 सॉरी 40 है 60, सिंपल हमारे आंसर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 13.3।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13.33 ओम्स। ठीक है, तो अब दोबारा सर्किट ड्रॉ करना है। यहाँ पर 10 ओम्स, देन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दोबारा ये 10 ओम्स, ये 10 ओम्स आ गए हमारे पास, ये दोबारा 10 ओम्स और ये 13.33। तो सिंपल हम माने जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो क्या आया है, आर इक्विवेलेंट है 10 प्लस 13.3 प्लस 10, जो के बराबर होगा आई थिंक 33.33 है जी, 33.33 ओम्स। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसे हमने सॉल्व किया सवाल, और ये हमारा आंसर आ गया है जो कि आर इक्विवेलेंट है। तो बहुत इजीली देखें ये सॉल्व हो गया सवाल, हमने यहाँ पर ना नेमिंग की है, ए बी सी भी नहीं लिखा, ना 1 2 3 लिखा, बिल्कुल बआसानी हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।